So friends, now in this particular video I will be discussing about the ant, है ना। ants क्या है, वो insects family से belong करते हैं। family का नाम है Formicidae and ant का scientific name भी Formicidae ही रहने वाला है, ओके। उनकी जो exoskeleton है, जो उनकी बॉडी है वो हार्ड होती है, वाटरप्रूफ, ओके। आंट्स की बॉडी भी जो होती है वो वाटरप्रूफ होती है। उनका जो एक्सोस्केलेटन है जो कि आउटर मोस्ट बॉडी का पार्ट है वो, ठीक है। आगे इसमें है कि इट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड चिटिन, है ना। चिटिन ये मटेरियल जो है आपके फंगस की सेल वॉल भी इस चिटिन मटेरियल के थ्रू ही बनी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, याद रखना। विच इज़ अ वन टाइप ऑफ प्रोटीन एंड हार्ड मटेरियल, है ना, जो कि एंट्स को फिजिकल चीज़ों से प्रोटेक्शन देता है। उनकी बॉडी तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखने का रहेगा कि जो भी इंसेक्ट्स फैमिली से होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनकी सबकी बॉडी इस तीन मेन सेगमेंट में डिवाइड होती है, वो है आपका हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। अब मेन अपने मुद्दे पे आते हैं कि एंट्स रेयरली बाइट्स द ह्यूमंस, है ना। एंट्स बहुत मुश्किल से ह्यूमंस को काटती है, वो हमेशा नहीं बाइट करती है। और एंट्स बाइट्स आरंट हार्मफुल, उनकी जो बाइट है वो हार्मफुल भी नहीं होती है। यू मे फील बर्निंग सेंसेशन, आपको थोड़ी सी जलन हो सकती है स्किन के ऊपर आफ्टर अ बाइट, बट इट शुड गो अवे आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। बट समटाइम्स ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कैसे ये क्योर कर सकते हैं आप। वो है ये कि जो एंट्स स्टिंग्स होता है जिसके थ्रू वो बाइट करते हैं, उसके अंदर होता है आपका मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड उन बच्चों को पता होगा ऑलरेडी जो 10th स्टैंडर्ड में कार्बोनेट्स कंपाउंड का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप समझ चुके हैं। उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो सबसे पहला मेंबर है वो है मिथेनोइक एसिड, ओके। तो आपका जो मिथेनोइक एसिड है उसका कॉमन नेम जो है वो फॉर्मिक एसिड भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम्स में आ सकते हैं ये भी। नाउ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मिथेनोइक एसिड इज HCOOH, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में ये है, तो COOH आपका ये वहाँ से याद रहेगा। और H मतलब ये पहला मेंबर है, 1 कार्बन है, इसके लिए इसको नाम दिया है मिथेनोइक एसिड। मिथ का मतलब है सिंगल कार्बन। इट काउजेज बर्निंग सेंसेशन, ये बर्निंग सेंसेशन को जो काउज करने वाला आपका जो मटेरियल है वो है मिथेनोइक एसिड या यू कैन से फॉर्मिक एसिड। तो देखते हैं हम इससे क्योर कैसे मिलेगा हमें। तो टू न्यूट्रलाइज द इन्फ्लुएंस, है ना, अभी ये एक एसिड है, तो अगर आपको इन्फ्लुएंस, उसकी जो जलन है, उसकी जो बर्निंग सेंसेशन है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, अ माइल्ड बेस और सोप कैन बी यूज्ड ऑन द अफेक्टेड एरिया। माइल्ड बेस इट मीन्स टू से कि जो थोड़ा सा नॉर्मल बेस होगा, है ना। अगर आपने आंट ने आपको अगर बाइट कर लिया है, देन यू आर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर माइल्ड बेस, ओके। नाउ द थिंग इज दैट कि वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द माइल्ड बेस, है ना, माइल्ड बेस के एग्जाम्पल क्या है, तो वो है आपका नॉर्मल घर में इस्तेमाल होने वाला बेकिंग सोडा विद द केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। बेकिंग सोडा इज अ बेसिक इन नेचर, यही तो इसकी सबसे खास बात है, बिकॉज एंट्स की जो बाइट थी उस बाइट के अंदर आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट था, मिथेनोइक एसिड। और एसिड को अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो आपको कुछ बेस ऐड करना पड़ेगा, एंड वी आर यूजिंग माइल्ड बेस हियर बिकॉज ये हम डील कर रहे हैं ह्यूमन स्किन के साथ में, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हम नहीं कर सकते। इट रिएक्ट्स विथ एसिड टू प्रोड्यूस न्यूट्रल सॉल्ट, है ना, वो एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा और एक न्यूट्रल सॉल्ट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन जो कि एंट के बाइट के होने की वजह से क्रिएट हुआ है वो कि जा सके, है ना। तो अभी इसका एक बार लास्ट में केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं बस। अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ द दिस कंप्लीट होल रिएक्शन इज सोडियम बाइकार्बोनेट, इट मीन्स टू से बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विथ मिथेनोइक एसिड, है ना, मिथेनोइक एसिड के साथ में ये रिएक्ट करेगा एंड इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस सोडियम इथेनोएट। ये आपका जो है HCOONA, इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एसिड एंड ऑल्सो इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस H2O, तो साथ में H2O भी प्रोड्यूस होगा। बस इतना सा केमिकल इक्वेशन रहने वाला है। ये क्वेश्चन जो है 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स में है। साइंटिफिक रीज़न वो पूछते हैं विद द केमिकल इक्वेशन, तो आपको लिखना रहेगा 2 मार्क्स के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।